हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रून चैनल डेली कमोडिटी। सो आज हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर क्रूड ऑयल जो 21 सितंबर में फ्यूचर से वो यहाँ पर करेंटली मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर आपको किस तरह प्राइस मोमेंटम जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बता दें कि कल के जो हमारे इंटरडे टारगेट से डेट शॉर्ट पोजीशन में नियरली सेफली यहाँ पर मिल गया था, डेट इज एट द प्राइस ऑफ अराउंड 5241 के आसपास जो है हमारे शॉर्ट पोजीशन का टारगेट मिल गया था। स्टॉप लॉस भी हमारा हिट नहीं हुआ और हमारा जो टारगेट है दैट इज नियरली 100 पॉइंट 80 पॉइंट्स का टारगेट वो यहाँ पर हमें आराम से कम्बर होते हुए देखने को मिला है। और उसके साथ साथ में उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली जो कि हमारे पास सबसे अच्छा बेहतरीन सपोर्ट लेवल था, डेट इज एट द प्राइस ऑफ अराउंड जो कि हमने पहले ही मार्क करके रखा था, डेट इज 5157 के आसपास एक अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने मिली। सो जिसने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन के अंदर पैसा नहीं कमाया तो वो भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के अंदर यहाँ पर हमें एमएचडी ने इंडिकेशन दे दिया बाय का, दैट इज एट द प्राइस ऑफ अराउंड यहाँ पर भी हमें सिग्नल दिया, दैट इज एट द प्राइस ऑफ अराउंड 5200 के नियर बाय भी और क्लोजिंग नियरली 8-10 पॉइंट्स जो है ऊपर ही हुआ है। बट उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहिए आज जो है बहुत ही अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई है, दैट इज क्रूड ऑयल के अंदर। सो अगर मैं यहाँ पर अगर आपने कोई भी ट्रेड जो हमने अभी बताया मेंशन किया वो अगर आपने एग्जीक्यूट नहीं किया तो भी आपके लिए आज के लिए जो हमारे पास टारगेट होगा, अगर आप रिस्क टेकर हो तो 5275 का अगर प्राइस लेवल ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते, दैट इज 5300 तक के जो टारगेट है, दैट इज 20-25-30 पॉइंट्स के जो टारगेट्स है वो यहाँ पर आपको आराम से बनते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर सस्टेन करें तो। और उसके साथ साथ में आ रहे सके जो प्राइस मोमेंटम है वो करेंटली अभी बुलिश साइड पे ही ट्रेड कर रहा है तो हम यहाँ पर जो है मोस्टली प्रिडिक्ट करेंगे कि अच्छा यहाँ पर हमें अप ट्रेंड जो है यहाँ पर हमें देखने को मिले उसके हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड के लिए जो है व्यू पॉइंट जो है हम यहाँ पर बना सकते हैं। ऑल दो मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो मेरे हिसाब से आपको एमएचडी का इंडिकेशन नहीं मिलेगा, बट फिर भी अगर आप रिस्क टेकर हो तो यहाँ पर ये जो ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हो। स्टॉप लॉस भी आपको यहाँ पर मेंटेन करना, दैट इज R4 के 5260 के आसपास आपको अपना जो है स्टॉप लॉस भी यहाँ पर मेंटेन करके चलना चाहिए। और उसके साथ साथ में एमएचडी के अगर यहाँ पर आपको वेट करना है तो उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर डे का अगर लो लेवल तोड़ता है तो यहाँ पर आपको जो है 5216 का प्राइस लेवल है, अगर उसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमें शॉर्ट पोजीशन के लिए भी रेडी रहना चाहिए और उस टाइम आई गेस डेट एमएचडी का जो इंडिकेशन होगा वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।